हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, गर्ल्स जैकेट आदि में अप्लाई कर सकते हैं। बनके देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो, ये मैंने पहले से यहाँ पर फंदे डाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये 33 फंदे डाले हैं मैंने। अब देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में देखिए पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, नेक्स्ट तीन फंदों पे हमारा पैटर्न बनेगा। तो जो तीन फंदे हैं उनमें से तीसरे नंबर का फंदा हम पहले बुनेंगे, सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर उस फंदे को लेस नहीं करेंगे बल्कि पहले आगे के दो फंदे एक एक करके सीधा बुनेंगे। तो ये तीन फंदों पर यहाँ पर हमने पैटर्न बना दिया। अब देखिए फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये दो फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए फिर इसके बाद हमने धागा अपनी साइड करना है और तीन फंदे उल्टे बुनने, फिर हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। अभी तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर हमने धागा पीछे कर लेना है और एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा बुनने के बाद देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने। अब देखिए यहाँ पे ये पहला वाला तो हमारा एक्स्ट्रा फंदा था। इसके बाद हमने यहाँ पे से देखिए जो हमारा सेकंड नंबर का फंदा है, सेकंड नंबर के फंदे से और यहाँ तक हमारे ये 28 फंदे हो गए। 28 फंदों पे हमारा पैटर्न आ गया। अब देखिए इसके बाद धागा पीछे करेंगे और फिर वही देखिए ये जो तीन फंदे हैं इनमें से तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए और पहले बुनेंगे, तीसरा वाला फंदा सीधा बुनेंगे और पहले बुनेंगे। इसको हमने पहले बुना, अभी स्लिप नहीं करेंगे बल्कि आगे के दो फंदे सीधे बुनेंगे। एक एक करके बुनने हमने आगे के फंदे और फिर ये तीसरा वाला फंदा जो हमने पहले बुना इसको स्लिप कर देंगे। और इसके बाद आपके पैटर्न में जितने भी फंदे होंगे तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट में जो प्रोसेस रिपीट किया है वो आप इन तीन फंदों को जो हमने अभी ये चेन बनाई है तीन फंदों पर इसके बाद ऐसे ही रिपीट करोगे। और फिर लास्ट में देखिए ये धागा अपनी साइड करके और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लोगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो, पहला फंदा हम उतार लेंगे बिना बुने। फिर देखिए यहाँ पे ये जो तीन फंदों पे हमारा पैटर्न आया है ये देखिए धागा अपनी साइड करेंगे, इन तीन फंदों को हम बैक साइड से उल्टा बुनेंगे। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन लेने। अब देखिए फिर धागा पीछे करेंगे, अब जो फ्रंट साइड से हमने दो फंदे उल्टे बुने हैं इनको बैक साइड से सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा,
एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। बैक साइड से हमारे जो फंदे जैसे हैं, जो सीधे हैं सीधे बुनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड से हमारे ये तीन फंदे बीच में उल्टे आ गए, तो ये बैक साइड से हमारे सीधे आएंगे। फिर देखिए ये बैक साइड से हमारे फंदे सीधे आए, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह हम बैक साइड से अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा तो हमने उतार लेना है, फिर देखिए जो हमारा तीसरे नंबर का फंदा है उसको हमने पहले बुनना है और सीधा बुनना है, फिर उसके बाद ये आगे के दो फंदे एक एक करके बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए दो फंदे उल्टे हैं तो इनमें से एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे जाली बनाने के लिए, और फिर सिलाई पे धागे को रोल करते हुए आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए जो ये देखिए ये सीधा फंदा है हमारा, इसको हमने सीधी साइड से सिलाई डालते हुए ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। फिर नेक्स्ट उल्टा फंदा है जो, इसको हम सीधा बुनेंगे, इसको हमने सीधा बुना। और देखिए जो सीधा फंदा हमने बिना बुने उतारा था उसको ऐसे देखिए लेफ्ट नीडल की सहायता से उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार के स्लिप कर देंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दो फंदे एक साथ बुनना है, ये सीधा वाला फंदा और ये उल्टा वाला फंदा, इनको उल्टा बुनना है फ्रंट साइड से। देखिए ये थर्ड रो चल रही है हमारी पैटर्न की, ये दो का एक कर दिया, ये दो का एक किया। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब देखिए फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब तीन फंदे हमारे उल्टे आ गए, इनमें से एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे ले जाएंगे जाली बनाने के लिए और फिर सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे। एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए जाली बनाते हुए धागे को आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुना। फिर धागा पीछे, अब देखिए यहाँ पे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड। यहाँ पे देखिए हमने अब दो फंदे एक साथ बुनने, ये उल्टा वाला फंदा और ये सीधा वाला फंदा, तो देखिए इनको एक साथ बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे। ये देखिए दो का एक कर दिया। फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दो फंदे एक साथ बुनने, सीधा वाला फंदा और उल्टा वाला फंदा, तो सीधी साइड से सिलाई डालेंगे, जो सीधा फंदा है उस पर सिलाई डालेंगे सीधी साइड से, और ये सीधा वाला भी और ये उल्टा वाला फंदा भी एक साथ दो का एक कर देंगे। ये दो का एक किया। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए हमारे नेक्स्ट दो उल्टे फंदे आ गए, इनमें से एक फंदा उल्टा बुना। फिर देखिए धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे, तो ये हमने जाली बनाने के लिए धागे को रोल किया सिलाई पे और फिर एक फंदा उल्टा बुना। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर नेक्स्ट तीन फंदों पे चेन बनाएंगे, तो देखिए तीसरा फंदा पहले बुनेंगे, फिर आगे के दो फंदे एक एक करके बुन लेने हैं और फिर धागा अपनी साइड करेंगे और लास्ट का फंदा एक उल्टा बुन लेंगे। तो ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में देखिए जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनना है। ये पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब जो जाली से बना फंदा है उसको हमने बैक साइड से उल्टा बुनना है। पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है। देखिए फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड,
एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए जो जाली से बना फंदा है उसको हमने बैक साइड से उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। जो जाली से बना है हमारा फंदा उसको हमने उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह हम बैक साइड से अपनी फोर्थ रो को कंप्लीट कर देंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुने, फिर देखिए तीसरे नंबर के फंदे को पहले बुनेंगे। तीसरे नंबर के फंदे को हमने पहले बुना और फिर आगे के फंदे एक एक करके सीधे बुनेंगे, फिर तीसरे वाले फंदे को स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए हमने दो फंदे उल्टे बुनने। अब देखिए यहाँ पे जो दो फंदे पहले उल्टे थे वो हमारे पास अब तीन हो गए। तो देखिए फर्स्ट में हमने दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं। जो जाली से बना है फंदा हमारा वो फ्रंट साइड से उल्टा आएगा, ये देखिए। फिर यहाँ पे देखिए धागा पीछे ले जाएंगे और जाली बना लेंगे, ये देखिए, और फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा देखिए पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये सीधा वाला फंदा है उसको सीधी साइड से ऐसे बिना बुने उतार लेंगे, और जो ये उल्टा वाला फंदा है इसको सीधा बुनेंगे। और देखिए जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है उसको ऐसे लेफ्ट नीडल की सहायता से आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार के स्लिप कर देंगे। फिर धागा अपनी साइड, सीधा वाला फंदा और उल्टा वाला फंदा एक साथ बुन लेंगे, ये दो का एक कर लेंगे। ये दो का एक किया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा उल्टा बुना। फिर धागा हम पीछे ले जाएंगे जाली बनाने के लिए और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे। फिर देखिए हम यहाँ पे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। जो जाली से बने फंदे हैं उनको भी हमने उल्टा बुनना है फ्रंट साइड से। तो देखिए ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे और रोल करते हुए सिलाई पे आगे ला जाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, ये देखिए। फिर देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए उल्टा वाला फंदा और सीधा वाला फंदा फ्रंट साइड से दोनों को एक साथ बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे, ये देखिए, ये दो का एक कर लेंगे। फिर धागा पीछे करना है। अब देखिए ये उल्टा वाला फंदा और सीधा वाला फंदा फिर हम एक साथ बुनेंगे, तो सीधी साइड से हमने सिलाई डालनी है दोनों फंदों पे और दो का एक कर लेना है। दो का एक हो गया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए आगे लाएंगे और देखिए दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और तीसरे फंदे को पहले बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे जो आगे के फंदे हमारे एक एक करके इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा, लास्ट का उल्टा। ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। अब सिक्स रो में जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनना है। जो जाली से बने फंदे हैं वो हमारे उल्टे आएंगे। इस तरह हम बैक साइड से सिक्स रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेना है, फिर देखिए यहाँ पे तीसरा फंदा पहले बुनना है। ये तीसरा वाला फंदा हम पहले बुनेंगे, फिर आगे के फंदे एक एक करके सीधे बुनेंगे। फिर देखिए लास्ट में हमने ये तीसरा फंदा स्लिप कर दिया। फिर धागा अपनी साइड, यहाँ पे देखिए। अब देखिए ये हमारे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये चार फंदे हमारे उल्टे आ गए।
चार फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनना है। तो धागा अपनी साइड रहेगा और इन दो का एक कर लेना है, सीधे वाले का भी और उल्टे वाले का। देखिए दोनों को हमने एक साथ बुनना है, दो का एक कर दिया, ये दो का एक हो गया। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे। अब देखिए जो हमारा जाली से बना फंदा था इसको हमने बैक साइड से उल्टा बुना था, इसको बैक साइड से उल्टा बुना, तो देखिए फ्रंट साइड से भी उल्टा बुनेंगे। और देखिए बीच में हमारे जो ये देखिए ये तीन फंदे, चार फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे, दो तीन और चार, ये चार फंदे हमारे उल्टे आ गए। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर धागा पीछे ले जाना है और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे दोनों साइड से जाली आ गई, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा वाला फंदा और सीधा वाला फंदा, इन दोनों को एक साथ उल्टा बुनेंगे फ्रंट साइड से। देखिए दो का एक करना है, ये दो का एक कर दिया, फिर देखिए ये नेक्स्ट जो चार फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा ही बुनेंगे। फिर धागा पीछे और तीसरे नंबर के फंदे को सीधा बुन लेंगे और पहले बुनेंगे। तीसरे नंबर के फंदे को हमने सीधा बुना और पहले बुना, फिर आगे के फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो। अब एट्थ रो में जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे बुनेंगे। अब सिर्फ जो हमारा जाली से, नई जाली से जो फंदा बना रहता है उसको हमने उल्टा बुनना है और जो पहले की जाली से बने फंदे हैं उनको भी हमने बैक साइड से सीधा बुनना है। सिर्फ जो नई जाली निकालते हैं हम फ्रंट साइड से, उसको हमने बैक साइड से उल्टा बुनना है। इस तरह हम बैक साइड से अपनी एट्थ रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये बैक साइड से हमारी एट्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो। अब नाइन्थ रो में देखिए ये पहला फंदा उतार लेना है, फिर देखिए तीन फंदों पे जो हमारा पैटर्न आ रहा है तो तीसरा फंदा पहले बुनना है, फिर आगे के फंदे एक एक करके बुनेंगे और सीधे बुनने हैं, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे ये तीन फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पांच फंदों में से तीन फंदे एक एक करके उल्टे बुन लेंगे। अब तीन फंदे उल्टे बुने। अब देखिए ये दो फंदे जो हमारे पास उल्टे हैं इनको हमने एक साथ बुनना है, दो का एक कर लेना है, ये दो का एक कर दिया, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे जाली बनाने के लिए और फिर सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे। अब देखिए बीच में हमारे सात फंदे उल्टे आएंगे। अब सात फंदे उल्टे आएंगे हमारे। ये सात फंदे हमने उल्टे बुन दिए, फिर धागा पीछे करेंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये पांच फंदे उल्टे आ गए, इनमें से देखिए ये शुरू में देखिए पहला और दूसरा फंदा एक साथ बुन लेंगे, ये दो का एक किया, फिर तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे,
अब देखिए यहाँ पे तीसरा फंदा पहले बुनेंगे और आगे के फंदे एक एक करके सीधे बुन लेंगे, फिर लास्ट में जो फंदा हमने पहले बुना था उसको स्लिप कर देंगे, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। ये फ्रंट साइड से हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 10th रो। अब 10th रो में देखिए जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, और सिर्फ जाली वाले फंदे जो नए जाली वाले फंदे बन रखे हैं हमारे, इनको हमने उल्टा बुनना है। इस तरह हम बैक साइड से अपनी 10th रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 11th रो। अब 11th रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर देखिए तीसरा फंदा पहले बुनेंगे, तीसरा वाला फंदा पहले बुना, फिर आगे के फंदे एक एक करके सीधे बुनेंगे, फिर तीसरा वाला फंदे को स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए हमने यहाँ पे दो फंदे उल्टे बुनने हैं, ये दो फंदे उल्टे बुन दिए एक एक करके, फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदे उल्टे हैं जो हमारे पास, इनको एक साथ बुनना है, दो का एक कर लेना है। ये दो का एक किया, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे। अब देखिए बीच में हमारे जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे, 9 फंदे उल्टे हैं, तो देखिए 9 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं फ्रंट साइड से। ये 9 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे एक साथ। ये जो देखिए हमारे नेक्स्ट 4 फंदे आ गए, उनमें से दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं, दो का एक कर लेना है। फिर देखिए ये एक एक करके ये फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे हमारे उल्टे आ गए, फिर धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट फंदे, इनमें से तीसरा फंदा पहले बुनेंगे, फिर आगे के फंदे एक एक करके बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। तो ये फ्रंट साइड से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 12th रो। अब 12th रो में देखिए जो फंदे उल्टे हैं उल्टे बुनेंगे और जो सीधे हैं उनको सीधे बुनेंगे, और जो जाली से बने फंदे हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे बैक साइड से। इस तरह हम बैक साइड से अपनी 12th रो कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 13th रो। अब 13th रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर देखिए तीसरा वाला फंदा हमने पहले बुनना है, तीसरा वाला फंदा पहले बुना, फिर आगे के फंदे एक एक करके बुनेंगे। ये देखिए ये हमारा 3 फंदों पे पैटर्न आ गया, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फिर नेक्स्ट दो फंदों को जो उल्टे फंदे हैं इनको एक साथ बुनेंगे, ये दो का एक करेंगे, ये दो का एक करा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और रोल करते हुए सिलाई पे धागे को आगे लाएंगे। अब देखिए बीच में हमारे 11 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। ये 11 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे और सिलाई पे रोल करते हुए धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो का एक करेंगे, दो उल्टे फंदे हैं जो हमारे उनमें उनको दो का एक करना है, ये दो का एक किया, फिर देखिए लास्ट वाला जो एक उल्टा फंदा है उसको उल्टा ही बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब 3 फंदों पे पैटर्न आएगा, तीसरा फंदा पहले बुनेंगे और फिर आगे के फंदे एक एक करके बुन के स्लिप करेंगे।
और लास्ट में जो पहले बुना था हमने फंदा उसको स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 14 रो में जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे बुनेंगे और जो जाली से बना फंदा है उसको उल्टा बुनेंगे। इस तरह हम बैक साइड से अपनी 14 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये बैक साइड से हमारी 14 रो कंप्लीट हो गई। 14 रो में देखिए जो फंदे सीधे थे उनको सीधा बुना, जो उल्टे थे उनको उल्टा बुना और जो जाली से बना फंदा था उसको उल्टा बुना। इस तरह हमने बैक साइड से अपनी 14 रो कंप्लीट की। ये देखिए ये बैक साइड से हमारा पैटर्न दिख रहा है। अब देखिए फ्रंट साइड से 15 रो पे हमारा पैटर्न रिपीट होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं रिपीट करके एक रो आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह पैटर्न को रिपीट करना है। तो पहला फंदा उतार लेंगे और तीसरा फंदा है जो हमारा उसको हमने पहले बुन लेना है, फिर आगे के फंदे एक एक करके बुनेंगे और सीधे बुनेंगे। फिर देखिए धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही हमने ये 15 वाली रो बनानी है। अब देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अब देखिए फिर इसके बाद हमने देखिए धागा अपनी साइड करना है और तीन फंदे उल्टे बुन लेने। जैसे हमने फर्स्ट रो पे स्टार्ट किया था सेम वैसे ही हमारी ये 15 वाली रो जाएगी। अब देखिए ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन दिए, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब नेक्स्ट तीन फंदों पे पैटर्न आएगा, तीसरा फंदा पहले बुनेंगे और देखिए पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा और लास्ट में फंदे को स्लिप कर देंगे जो तीसरा वाला फंदा है, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी फ्रंट साइड से 15 रो कंप्लीट हो गई और अब हमने इस पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करना है। और देखिए ये कंप्लीट तैयार हो के ऐसा दिखेगा, ये देखिए। ये बनके बहुत ही सुंदर लगता है। अब आपने इसको ऐसे ही रिपीट करते जाना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।